हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हर एक को आशीष की चंगाई की छुटकारे की मैं घोषणा करता हूँ। हर प्रकार की हमारी समस्याएं कष्ट परेशानियां यीशु के नाम में बाहर निकलने पाए इसी समय पिता। हर एक बंधनों से कष्टों से परेशानियों से आजाद होने पाए क्रिस्टू जीसस हालेलुया। मैं पास्टर इमानुएल एक बार फिर से स्वागत करता हूँ इस रात की प्रार्थना की सभा में। और जितने लोग विश्वास के साथ इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं क्लेम कर रहे हैं प्रभु आज आपके जीवन में आशय क्रम करने जा रहे हैं। आपके बंधन जो है परमेश्वर बंधनों को तोड़ने जा रहा है और आपको आशीषों से भरपूर करने जा रहा है। एक भाई ने मुझसे सवाल किया था कि ब्रदर जी मैं यीशु से कैसे मिल सकता हूँ, क्या मुझे कहीं जाकर प्रार्थना करना होगा, पहाड़ी पर चढ़ना होगा या मुझे क्या करना होगा, मुझे ये बताइए मुझे यीशु से मिलना है। हालेलुया, यीशु को भी आपसे मिलना है। जितना आप यीशु से मिलने के लिए उतावली है उससे अधिक यीशु हमसे मिलने के लिए उतावली है। हालेलुया। और रही बात आपको यीशु से मिलने के लिए तो आप प्रभु को उपस्थिति बैठ जाए। आप जिस घर में हैं, जिस जगह में हैं, जिस स्थान में हैं, जिस रूम में हैं, एक रूम में बैठ जाइए। हालेलुया। एक दिन उपवास प्रार्थना कीजिए अगर कर सकते हैं तो, अन्यथा जिस प्रकार से आप प्रार्थना करने में सक्षम है उस प्रकार से प्रार्थना कीजिए। अपने रूम में बैठ जाइए, घुटनों पे आ जाइए, अपने रूम में आकर घुटनों पे आकर अपने आंखों को बंद करते हुए अपने हाथों को उठाइए। अगर आपने पापों की क्षमा उद्धार नहीं पाया होगा तो पापों की क्षमा यीशु से मांगिए। जो आपने गुनाह किए हैं, जो आपने पाप किए हैं, जो परमेश्वर के विरुद्ध में कार्य है, उन सारे बातों के खातिर यीशु से माफी मांगिए और दोबारा ना करने का उससे वादा कीजिए। कहिए यीशु मेरे सारे गलतियों को सारे पापों को धोकर शुद्ध और पवित्र कर और मुझे अपने राज का वारिस बना और अपने अपने मुंह से हालेलुया हालेलुया थैंक यू जीसस हालेलुया मेना 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 मेन हालेलुया हालेलुया ग्लोरी 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 आमेन आमेन धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु। इन बातों को बार 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 दोहराइए। हालेलुया। जो आपके मन में है वो बातें परमेश्वर के सामने रखिए। बीच बीच में प्रभु आपसे बातें करेगा, पवित्र आत्मा आपसे बातें करेगा। हालेलुया। विश्वास कीजिए आशय क्रम प्रकट होगा। जितने लोगों ने अपने हाथों को आगे बढ़ाकर बीज बोया है, भेंट दान दसवां डाले, प्रभु आप सबको आशीष दें। वचन के अनुसार 100 गुना वापस दे। जैसे मैंने कहा है चर्च जमीन के लिए हमें अभी आपकी सहायता की आवश्यकता है और लगभग इसमें से 15 से 17 लोगों ने अभी तक इसमें सहायता किया है अपनी शक्ति और अपनी इच्छा के अनुसार, और जितना मैंने बोला था उतना। तो प्रभु आपको भी इसमें सहायता करेगा। मैंने कहा 1000 आप प्रभु के राज्य निकालिए, बाकी आप कम अधिक देना चाहते हैं प्रभु की अगुवाई जितना हो आप उसमें सहायता कीजिए ताकि आप इस खुदरा आशीषमय हो जाए। हालेलुया। गूगल पे फोन पे लास्ट टाइम दिया गया है। अपनी शक्ति अपनी इच्छा को सर आप इसमें सहयोग हमें प्रदान करें ताकि आपके सहयोग के द्वारा ये काम सफल हो जाए। आइए हम प्रार्थना की ओर चलते हैं। विश्वास के साथ प्रार्थना को देखें, अपने घरों में अपने जीवन में इस प्रार्थना को रिसीव कीजिए। तेल पानी अपने पास रख लें। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं आज तेल पानी के लिए। हालेलुया। पानी प्रार्थना करने के बाद अगर अभी आपके पास तेल पानी नहीं है तो आप बाद में ये प्रार्थना को देखिएगा और तेल पानी रख कर जैसे मैंने कहा है उस प्रार्थना कीजिएगा, मुंह से कहिएगा और तेल पानी यीशु के नाम में आशीषित हो जाएंगे। पानी अपने घर में छिड़किएगा, आपका घर बंधनों से आजाद हो जाएगा। जिसको आप पिलाना चाहते हैं अच्छा पानी रखें, प्रार्थना करके आप उनको पिला सकते हैं। आइए हम प्रार्थना की ओर चलते हैं। आज आशय क्रम प्रकट होंगे, आज बंधन टूटेंगे। ओ रामा रामा शिखर राबा हूलाबा रिख राबा रिक्तम जयम। प्रभु जी हम धन्यवाद करते पिता हर एक बातों के लिए, कार्यों के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरे प्यार के लिए पिता परमेश्वर। दिन भर कार्य में अगुवाई की, आंजन में सहायता किया, यात्राओं में सुरक्षा प्रदान किया और एक चुनाव से प्रदान किया कि हम तेरे उपस्थिति में बैठ कर याचना कर सके। खुदा हम धन्यवाद करते हैं पिता, तेरे नाम की महिमा इनके जीवन में स्वर्ग से प्रकट होने पाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में मैं इनको ब्लेस करता हूँ, मैं इनको आशीष की घोषणा करता हूँ। हर एक समस्याएं कष्ट परेशानियां यीशु के नाम में बाहर निकलने पाए। यस लॉर्ड, ये प्रार्थना जहाँ जिस घर में चलिए वहां
बाहर शयक्रम प्रकट हो जाए, वहां बंधन टूट जाए और हर एक व्यक्ति बंधनों से आजाद होने पाए। पिता जो चिंताओं में बैठे हर प्रकार की चिंताएं समस्याएं कष्ट परेशानियां बाहर निकल जाए, रास्ते खुल जाए, बंधन यीशु के नाम में टूटने पाए। जो बीमार पड़े मन को तेरे हाथों में सौंपता हूं पिता, हर प्रकार की मारी समस्याएं कष्ट परेशानियां इनके घर से इनके जीवन से बाहर निकलने पाए और तेरे नाम की महिमा इनके जीवन में स्वर्ग से प्रगटने पाए। हर प्रकार की मारियों से इसी क्षण आजाद होने पाए पिता और तेरे नाम की महिमा इनके जीवन में प्रगटने पाए। हर एक बंधन टूट जाए यीशु के नाम में और हर शय क्रम प्रगट हो जाए, बीमारियां इनके शरीर से बाहर निकलने पाए, इनके हाथ इनके पैरों में सामर्थ प्रवाहित हो जाए, कमजोरियां दुर्बलताएं वीकनेस इनके शरीर से बाहर निकलने पाए और हर एक बंधनों से कष्टों से परेशानियों से आजाद होने पाए पिता। हर एक बंधन से आप आजाद कर दिया, इनके बीमारियों का आपको छंगाई प्रदान किया और इनके अंदर तेरी सामर्थ आपने दिया पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ, रसोलिया पथरिया पेट की समस्याएं बाहर निकलने पाए और जो बीपी सुगर नॉर्मल होने पाए और जो भी प्रकार की मार से ग्रसित है पिता, मैं उनको पूर्ति से मैं छंगाई की घोषणा करता हूँ यीशु के नाम, ये छंगे होने पाए पिता और ये तेरे नाम की महिमा करने वाले हो जाए खुदावन। ये स्लोड़ प्रार्थना करता हूँ पिता उस बहन के लिए पिता जो प्रभु जी महाराष्ट्र के हॉस्पिटल पिता एडमिट है पिता, अंकिता पिता प्रभु जी अपनी सामर्थ्य हाथ बढ़ाइए पिता और उनको हर प्रकार की मारियों से उसको छुटकारा प्रदान कीजिए खुदावन और पिता अपनी महिमा के लिए बहुत ऐसा उपयोग कीजिए खुदा। हाँ प्रभु जी उसको मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ पिता और जल्द चंगे होकर पिता वो घर से वापस आने घर आने पाए पिता हॉस्पिटल से पिता, यही प्रार्थना करते हैं। और जो भिन्न भिन्न स्थानों पिता घरों में ही है पिता हॉस्पिटल एडमिट है पिता, उन सारे भाई बहनों को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ पिता और जल्द से जल्द चंगे हो जाए और तेरे नाम की महिमा करने वाले हो जाए पिता, यही हम प्रार्थना करते हैं खुदा। हम प्रार्थना करते हैं उन सारे भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर है जो प्रभु जी ओ रामा हालेलुया यस लॉर्ड यस लॉर्ड, जो अंधकार की आत्माएं नशे की आत्माएं बुरी आत्माओं में घिरे हुए हैं पड़े हुए हैं, हर एक बंधन टूट जाए, नशे की आत्माएं बुरी आत्माओं से आजाद होने पाए, निराशा में जो बैठे हैं हर प्रकार की दशाएं दुख तकलीफ इनके जीवन से बाहर निकलने पाए। जो कर्ज में डूबे हुए पिता मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन हर एक कर्ज के बंधन से या आजाद होने पाए, हर एक कर्ज के जंजीरों से या आजाद होने पाए पिता और तेरे नाम की महिमा इनके जीवन में स्वर्ग से प्रकट होने पाए खुदा। इनकी मेहनती कमाई कहीं फंसा है पिता किसी कंपनी किसी ऑफिस में, ये कहीं पैसा इन्वेस्ट किए पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता इनकी मेहनती कमाई इनको जल्द से जल्द मिलने पाए पिता। हाँ प्रभु जहाँ पैसा रुका है जहाँ कहीं पैसा फंसा है पिता जिस कंपनी में इन्वेस्ट किए हैं पिता उसका हृदय उसका मन परिवर्तन होने पाए पिता और इनकी मेहनती कमाई इनको जल्द से जल्द मिलने पाए, यही हम प्रार्थना करते हैं। आपने इनको आशीष दिया, मैं धन्यवाद करता हूँ पिता हर एक बात तो में आपने इसको आशीष दिया, धन्यवाद करते हैं। जीवन के क्षेत्र में पिता ये सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, रुकावटें बधाएं आ रही है पिता, हम प्रार्थना करते हैं पिता हर एक जीवन के क्षेत्र में बंधन टूट जाए, रास्ते खुल जाए यीशु के नाम में और हर शय क्रम तेरे नाम से प्रकट होने पाए और ये भाई बहन तेरे नाम की महिमा करने वाले हो जाए खुदा, यही हम प्रार्थना करते हैं। ओ रा रामा सखर रा बाहू ला बा रिख रा बा रेक्तम जयम रेक्तम जयम यस लॉर्ड अगुवाई पिता, मैं प्रभु तेल पानी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ, मेरे पियो विश्वास कीजिए प्रभु आपको आशीष देने जा रहा है। जो भाई बहन तेल पानी मंगाए हैं अगर नहीं भी आता है आपके पास तेल पानी अपने हाथ में रखिए, हाथ में रखिए, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा और उस तेल पानी को आशीष मिल जाएगा और आप उस आशीष को पाएंगे। यस 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 विश्वास कीजिए ना, विश्वास कीजिए ना, जितना बड़ा विश्वास उतनी बड़ी आशीष आपके जुर्म में आएगी। हालेलुया तेल पानी को हाथ में रख सकते हैं तो हाथ में रखिए किस चीज में, नहीं तो आप नीचे रखे हैं तो अपने हाथ उस पर रखिए। ओ थैंक यू लॉर्ड। ओ रामा अगर आपने हाथ में रख सकते हैं तो हाथ में रखकर ऐसे रखिए तेल पानी को, दो जो भी आपके डिब्बे हैं जो भी आपके बोतल है ऐसे रखिए, अपने हाथों को दोनों हाथ पकड़ लीजिए ऐसे जो ऐसे कर लीजिए। यस अगर हाथ नीचे रखे हैं तेल पानी अपने हाथ को रखिए, प्रभु आपको आशीष कर रहा है। ओ हालेलुया ओ हो रक्तम जयम रक्तम जयम ओ थैंक यू लॉर्ड प्रभु जी मैं धन्यवाद करता हूँ पिता इन सारी बातों के लिए कार्यों के लिए पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन विश्वास के साथ तेल पानी अपने हाथों में लिए हैं प्रभु जी, हाँ पिता मैं तेल पानी को आशीष करता हूँ प्रभु जी, ये तेल पानी तेरे नाम से आशीष हो जाए खुदावन
हाँ प्रभु जी, ये पानी को पिता हम तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, ये तेल पानी पिता ये अपने हाथों में रखे पिता, हाथ उसके ऊपर रखे, उन हाथों के द्वारा एक तेरी सामर्थ और आशीष प्रवाहित होने पाए पिता, और वो तेल पानी तेरे नाम से आशीष हो जाए खुदावन। ये पानी पिता जो पिए पिता जिस घर में छिड़का जाए प्रभु जी, ओ पिता वहां बंधन टूट जाए, जो पिए पिता वो बीमारियों से आजाद होने पाए, हर एक अंधकार की आत्माएं नस्य की आत्माओं से आजाद होने पाए पिता, और तेरे नाम की महिमा इनके जीवन में स्वर्ग से प्रकट होने पाए। आपने पानी को आशीष करके दिया, मैं धन्यवाद करता हूँ पिता, जो तेल हाथों में लिए प्रभु जी मैं उस तेल को तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी पिता, ये तेल जहाँ लगे पिता जिस जगह में लगा पिता प्रभु जी वहां बीमारियां इनके शरीर से बाहर निकलने पाए, और तेरे नाम की महिमा इनके जीवन में प्रकट होने पाए। तेल कोई सा भी हो सकता है, कोई सा जो आप आपके शरीर में लगता है तेल, जो आप यूज करते हैं अपने शरीर में लगाने के लिए, बालों में लगाने के लिए, उस तेल को लगा रखिए अपने हाथों में, प्रभु आशीष करेगा। यस यस ओ रामा शिखर रामा रेक्तम जयम यस लॉर्ड प्रभु जी, उस आप तेल को आपने आशीष किया पिता। हाँ प्रभु जी, जो भाई बहन लगाएंगे पिता आपने भी दर्द बीमारियों से आजाद किया खुदा, मैं धन्यवाद करता हूँ। हाँ पिता, पानी को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ पिता, जिस घर में पानी छिड़का जाए वो घर पिता हर एक बंधनों से कष्टों से परेशानियों से आजाद होने पाए पिता, और तेरी सामर्थ वहां उतरने पाए, पवित्र आत्मा वहां उतरने पाए, और हर एक का हृदय मन पिता परिवर्तन होने पाए, यही प्रार्थना करते हैं। ऐसे आशीष आपने दे दिया, मैं धन्यवाद करता हूँ पिता। ओ हालेलुया मेरे पियो, तेल को अपने जहां भी आपकी प्रॉब्लम है, सिर में हाथ में पैर में पेट में लगाइए, प्रभु आपको आशीष करेगा। हाँ पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने हाथों ने अपने हाथों को आगे बढ़ाकर बीज बोया है, भेंट दान दसवां डाले पिता, इन सबों को मैं ब्लेस करता हूँ, इन सबों को आज प्रदान करता हूँ पिता, इनके सैलरी बीज सौंप को इन खत्तों को मैं ब्लेस करता हूँ, जो जितना बीज बोया पिता उसका 100 गुना सही समय आने पर आशीष करने जा रहे पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ। सैलरी बीज सौंप को मैं आशीष की घोषणा करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ सारे भाई बहनों के लिए खुदावन, जो प्रभु जी तेरे राज्य भौतरी के पिता जमीन के लिए अपने हाथों को आगे बढ़ाए पिता, पिता उन सबों को ब्लेस कीजिए, आस पर दान कीजिए, उनके घर परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ सुख शांति और आशीष उनके घरों में आने पाए, जो भेजने के लिए सोच रहे हैं, जो भेजने वाले पिता पवित्र आत्मा गुवाई में ओ पिता इनमें सहायता करने वाले हो जाए खुदावन, यही हम प्रार्थना करते पिता। आपने सबों को आशीष करके दिया, मैं धन्यवाद करता हूँ पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता। ओ हालेलुया, मैं जो नाम आपने दिए पिता SMONLIYZCBD यस ओ रा सारा रामा शिखर राबा हालेलुया हालेलुया ओ हो रा राबा री शिखर राबा रिक्तम जयम एच इन सारे नामों को परमेश्वर ब्लेस करने जा रहा है, जीवन के क्षेत्र में आपको आशीष करने जा रहा है, रुकावटें बधाएं आपके जीवन से दूर हो रही है और प्रभु की महिमा आपके जीवन में प्रकट हो रही है। ओ थैंक यू लॉर्ड, यस लॉर्ड, आपने इन सबों को ब्लेस किया आशीष किया, हम धन्यवाद करते हैं। जिनको नींद की समस्या है, नींद नहीं आती है, प्रार्थना करते पिता उनको सुनाए, नींद से भरपूर कीजिए, रात सुनाए नींद दीजिए पिता, यही प्रार्थना करते पिता। हम प्रार्थना करते उन सारे भाई बहनों के लिए जो बाहर काम कर जॉब करते बिजनेस करते जहां भी ये पंखों यार में छुपा रखिए, समस्याएं कष्ट परेशानियों से आजाद होने पर रास्ते खुल जाए तेरे नाम से। जितने लोग पिता कमेंट बॉक्स में प्रार्थना रिक्वेस्ट डाले हैं, हर एक को मैं तेरे नाम से ब्लेस करता हूँ, जॉब से आशीष से मिल जाए, रास्ते खुल जाए, बंधन टूट जाए, बीमार तेरे नाम से चंगे हो जाए, रात में सुनाए देश वोट का नाम की महिमा करने में हम सबकी सहायता कर। प्रार्थना सुना धन्यवाद, यीशु के पिताजी आशीष मांगते हैं, यीशु आज ग्रहण कर, आमीन हालेलुया। विश्वास कीजिए स्वर्ग का परमेश्वर आपको अपनी आशीषों से भरने जा रहा है। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें ताकि और भाई बहनों को यीशु मसीह को जान सके। सभी को जय मसीह के, गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।